चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मोगांव धपेरा में हुए लूट के आरोपी की जानकारी देने पर व्यापारी ने 51,000 रुपए का इनाम किया घोषित। महिला पर जानलेवा हमला कर दो लुटेरों ने लूट को दिया था अंजाम। दो लुटेरों की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बालाघाट जिले के लालबरा थाना अंतर्गत ग्राम मोगांव धपेरा में विगत 28 जुलाई को व्यापारी की पत्नी पर प्राणघातक हमला कर दो लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की तस्वीरें कैद हुई है। करीब 8 दिन बीतने को आए पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लूट की वारदात में शामिल अपराधों का कहीं पता नहीं चल पाया, तो अब व्यापारी ने अज्ञात लुटेरों पर 51,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि हार्डवेयर व्यापारी की पत्नी ज्ञानेश्वरी बसे ने मोगांव धपेरा निवासी पर अज्ञात नकाबपोशों ने प्राणघातक हमला करने के बाद घर में रखे नकदी रुपए लूट लिए थे। 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अपराधियों का सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस की तहकीकात में गांव छोटी कुमारी में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो नकाबपोश लुटेरों की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर मोटरसाइकिल में सवार दो युवकों के पास पेटी भी दिखाई पड़ रही है। पीड़िता महिला के व्यापारी पति आसाराम बसे ने मोगांव धपेरा निवासी ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि अपराधियों का पता बताने वालों को 51,000 रुपए की राशि नकद दी जाएंगी और उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। शासन प्रशासन के तमाम दावों के बीच अपराधी अपराध करने के बावजूद पुलिस के चंगुल से कोसों दूर है और शायद यही वजह है कि पीड़ित परिवार को गुनाहगारों तक पहुंचने के लिए खुद इनाम की घोषणा करनी पड़ रही है। जी, आपका परिचय? ज्ञानेश्वरी वसीम। क्या हुआ था 28 तारीख को आपके ऊपर हमला हुआ था? 28 तारीख को दो लड़के लोग आए थे, खिल्ले वगैरह मांगे मुझे। मैंने कहा कि मतलब दुकान बंद होगी, नहीं दे पाऊंगी, तो बोले अर्जेंट है, स्लिप ठोकना है, बोले 8 बजे। तो मैंने कहा आगे आओ, मैं देखती हूँ। तो मैंने पीछे का दरवाज़ा बंद करके सामने आया और साइड का दरवाज़ा ओपन करके मैं लाइट ऑन करके पन्नी पकड़ के दूसरे कमरे तरफ गई, जहाँ से खिल्ला लाना था। वहाँ से खिल्ला लेके आई, 1 किलो खिल्ला तोल के दी उनको। उसके बाद में फिर बोला उनने कि और 1 किलो चाहिए, तो मैंने काटा। पहले 1 किलो तोल के मैंने ऑफ कर दिया था, फिर दूसरा तोलने के लिए ऑन कर ही रही थी मैं, तो अचानक में मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब कैसे उनने मतलब पीछे से एकदम से मुंह को दबाया और मिर्ची पाउडर डाल दिया, और उसके बाद में कुछ ही पीछे साइड में वही सब मारा उनने। उसके बाद मैं कैसे गिरी मुझे वो भी नहीं पता। फिर मैं जैसे आँख वगैरह मतलब खोली, मैंने तो देखा मोबाइल मतलब पकड़ रही थी, उठा रही थी, वैसे लाइट ऑफ हो गई। उधर से एक कोई लड़का आया, उसने फिर से हथौड़े से पीछे मारा। उसके बाद में मेरा पूरा शरीर मतलब सुन्ना हो गया, कुछ भी मतलब काम नहीं कर पा रहा था। हाँ, मोबाइल उठा के फ़ोन करने के लिए मतलब कोशिश कर रही थी। उसके बाद उन लोग पेटी लेकर के चले गए, पेटी लेने के चले गए। उसके 2 मिनट के बाद में कम से कम फिर कोशिश किया उठने की, उसके बाद उठी मैं और फिर फ़ोन लगाया। फिर इन लोग आए और फिर डॉक्टर के पास में गए, वहाँ पर मतलब 6 टाके लगे हैं वहाँ से। आपके सिर पर वार किया जी? यहाँ पे मतलब टाका लगा छी, और पीछे मतलब गले के ये जो हड्डी है उसमें भी लगा है, और पीठ में भी मारा है। तो अभी लगभग 8 दिन हो गए हैं, क्या आप पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से इतनी मतलब गुजारिश है कि वो जो मतलब जल्दी से जल्दी पकड़ाए हमको, जो गुनहगार है उसको सजा मिलना। आपके जो पति हैं उनके द्वारा 51,000 रुपये की 51,000 का मतलब इनाम रखा गया, जो भी मतलब बताता है उनके लिए सूचना देने वाले को अपराधियों के बारे जी, में जी अपराधी के बारे में सुन, जो भी सूचना देता है उनके लिए। जी, मैं आसाराम बसे ने मोगांव धपेरा से। 28 जुलाई को जो आपकी पत्नी पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, लूट की वारदात हुई है, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? 28 तारीख की जो लूट हुई है सर, वो बहुत बेकार घटना हुई, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आरोपी लोग पकड़ा जाए, और मैंने अपने तरफ से 51,000 की घोषणा किया हूं कि जो भी व्यक्ति मुझे गुप्त रूप से बताया जाता है नाम, उसका गुप्त रखा जाएगा, मैं उसे मुझे 51,000 की राशि दूंगा।
और मुझे भी बता सकते हैं, पुलिस प्रशासन को भी बता सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने मुझे जो सहयोग दिया उनका अच्छा भरपूर सहयोग मिला, मगर मैं अपने तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक चोरों का कुछ ज़्यादा पता नहीं है जिन्होंने हमला किया। धापेवाड़ा में क्या सामग्री मिली है? धापेवाड़ा में जो सर सामग्री मिली है, तो वो सामग्री हमारी पेटी में कुछ सामान रखा था वो तो मिल गया है, मगर मेरे प्रशासन चोर लेके भागे हैं। हाँ सर, चोर लेके भागे, फुटेज भी मिला है, फुटेज भी मिला है, क्लियर नहीं हो पाया कि कौन है। हाँ, फुटेज में क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसी चक्कर में मैंने इनाम रखा हूँ। प्रशासन अपने हिसाब से कर रही है, मगर मैं भी अपने तरफ से 51,000 का जो इनाम रखा हूँ, मैं अपने तरफ से उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़ा जाए। जो आरोपी हैं उनके बारे में अगर कोई कोई सूचना देता है तो 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जी सर, नाम भी गुप्त रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।